मिस्टर वॉटसन वेंट टू पिकअप मिस्टर कलवर्टन स्मिथ। मिस्टर वॉटसन मिस्टर कलवर्टन स्मिथ को लेने के लिए चले जाते हैं। ही रीच्ड स्मिथ्स होम एंड नॉक द डोर। वो जो है मिस्टर वॉटसन वो मिस्टर स्मिथ के घर पहुंचते हैं और डोर को नॉक करते हैं। देन मिस्टर स्मिथ्स बटलर केम आउट एंड आस्क्ड मिस्टर वॉटसन अबाउट हिम। तो क्या होता है, मिस्टर स्मिथ का जो बटलर है, मिस्टर स्मिथ का जो नौकर है, वो बाहर निकलता है और मिस्टर वॉटसन से उनके बारे में पूछता है। तभी सडन क्या होता है, मिस्टर स्मिथ वॉइस केम आउट एंड ही सेड टू हिज सर्वेंट हु इज़ एट द डोर एंड ही सेड हाउ मैनी टाइम्स व्हेन ही वॉज बिजी इन स्टडिंग डोंट डिस्टर्ब हिम। तो वो कहते हैं कि अपने बटलर से, अपने नौकर से कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब मैं पढ़ रहा होता हूँ तो मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। ओके, मिस्टर वॉटसन रिमेंबर्ड द सिकनेस ऑफ मिस्टर होम्स एंड थिंकिंग दिस ही पुश्ड द सर्वेंट एंड केम इनसाइड द हाउस। और मिस्टर वॉटसन जब ये बात सुनते हैं मिस्टर स्मिथ की, तो उनके माइंड में अचानक से अपने फ्रेंड जो शेरलॉक हैं उनकी बीमारी याद आ जाती है और वो क्या करते हैं, वो बटलर को धक्का देकर अंदर चले जाते हैं। And Mr. Smith is very angry at this behavior of him and asks him to go out. Mr. Smith जो होते हैं वो Watson के इस behavior पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और उन्हें बाहर जाने के लिए कहते हैं। But Mr. Watson told to Mr. Smith about Mr. Holmes' disease and requested him to meet Holmes. तो मिस्टर जो वॉटसन होते हैं वो मिस्टर होम्स से रिक्वेस्ट करते हैं, उन्हें मिस्टर होम्स की डिज़ीज़ के बारे में बताते हैं कि वो कितने बीमार हैं। वो उनसे कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि एक मिस्टर स्मिथी हैं जो उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। मिस्टर स्मिथ गेट रेडी टू मीट मिस्टर होम्स। और मिस्टर जो स्मिथ होते हैं कलवर्टन स्मिथ, वो मिस्टर होम्स का नाम सुनकर पहले तो बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं और फिर उनके साथ चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। ओके, देन मिस्टर वॉटसन रिमेंबर्ड मिस्टर होम्स इंजंक्शंस मीन्स तुरंत ही मिस्टर वॉटसन को मिस्टर होम्स की कही गई बात याद आ गई। और वो बात क्या थी कि मिस्टर होम्स ने मिस्टर वॉटसन से कहा था कि अगर मिस्टर स्मिथ आने के लिए रेडी हो जाते हैं तो वो जो है मिस्टर स्मिथ को अपने साथ ना लाएं बल्कि वो पहले वापस आ जाएं। तो ऐसा सोचकर जो मिस्टर वॉटसन होते हैं वो एक बहाना बना देते हैं और एक एक्सक्यूज़ बना देते हैं, मिस्टर वॉटसन मेक एक्सक्यूज़ एंड कम बैक अलोन, और आप वापस अकेले ही वापस आ जाते हैं। आफ्टर कम बैक ही टोल्ड मिस्टर होम्स दैट मिस्टर स्मिथ एग्री टू कम हियर। और वो उन्हें बताते हैं कि मिस्टर स्मिथ यहाँ आने के लिए तैयार हो गए हैं। देन मिस्टर होम्स टोल्ड मिस्टर वॉटसन टू हिडन इन द सीक्रेट रूम बिहाइंड हिज बेड। इट मीन्स जब जैसे ही होम्स सुनते हैं कि मिस्टर स्मिथ यहाँ आने के लिए रेडी हो गए हैं तो वो मिस्टर वॉटसन से कहते हैं कि वह जाएँ और उनके बेड के जस्ट पीछे एक सीक्रेट रूम है वहाँ पर छुप जाएं। आफ्टर सम टाइम मिस्टर स्मिथ अराइव्ड देयर एंड आस्क्ड मिस्टर होम अबाउट हिज इलनेस। थोड़ी ही देर में मिस्टर स्मिथ वहाँ पहुँच जाते हैं और उनसे जो है उनकी बीमारी के बारे में पूछते हैं कि वो कैसे हैं। मिस्टर होम्स टोल्ड हिम दैट ही हैड द सेम डिजीज विच हैपन टू द स्मिथ्स नेफ्यू हुज नेम वॉज विक्टर। मिस्टर होम्स उन्हें बताते हैं कि उन्हें वही बीमारी हुई है जो कि मिस्टर स्मिथ के भतीजे विक्टर को हुई थी। और वो बताते हैं, आई हैव दिस डिजीज़ बाई बींग कॉन्टेक्ट टू द चाइनीज सेलर, और मुझे ये बीमारी चाइनीज सेलर्स के कॉन्टेक्ट में आने से हुई है। मिस्टर स्मिथ सेड, How much you can say my nephew Victor had died with this disease? मिस्टर स्मिथ कहते हैं कि तुम कैसे कह सकते हो होम्स के यह बीमारी मेरे नेफ्यू विक्टर को यही बीमारी हुई थी। बिकॉज दिस डिजीज़ वॉज स्प्रेड इन सुमात्रा एंड माई नेफ्यू विक्टर लिव्ड इन लंडन। क्योंकि यह बीमारी तो सुमात्रा में फैली थी और मेरा भतीजा तो लंडन में रहता था। मिस्टर स्मिथ वॉज वेरी क्लेवर एंड ही थॉट ही दैट मिस्टर होम्स वुड डाई सून
मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ बहुत ही चालाक व्यक्ति थे और वह ये जानते थे कि मिस्टर स्मिथ जो है वो जल्दी ही मरने वाले हैं एंड नो वन कैन क्योर हिम, और कोई भी उनको बचा नहीं सकता। दैट्स वाई ही कन्फेस हिज क्राइम, इसीलिए उन्होंने अपने क्राइम को, अपने जुर्म को कन्फेस किया। ही एडमिटेड दैट ही हैज़ किल्ड हिज नेफ्यू विक्टर, और मिस्टर स्मिथ ने ये बात मानी कि उन्होंने अपने भतीजे विक्टर का मर्डर किया। ओके, एंड ही सेड टू मिस्टर होम्स दैट What do you think that you had this disease from Chinese sailor? उसके बाद मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ जो हैं वो मिस्टर होम से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें यह बीमारी किसी चाइनीज सेलर से हुई है? इट्स नॉट लाइक दैट ऑल, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। आफ्टर दैट ही सॉ द आइवरी बॉक्स, उसके बाद वो है उस आइवरी बॉक्स की तरफ देखते हैं जिसको मिस्टर वॉटसन ने टोंग की सहायता से अच्छे से, मतलब बिना टच किए, मिस्टर होम्स के पास रखा था। और उसको देखकर वो कहते हैं, वह होम से पूछते हैं, ही आज मिस्टर होम्स हैव यू रिसीव दिस आइवरी बॉक्स थ्रू मेल, क्या तुम्हें ये बॉक्स जो है ये आइवरी बॉक्स एक मेल से मिला था? मिस्टर होम सेड येस आई हैड गॉट दिस बॉक्स बाई मेल, उन्होंने कहा हाँ मुझे ये बॉक्स एक मेल के थ्रू मिला था। एंड ऑल्सो हैड अ स्प्रिंग इन साइड इट, उसके अंदर एक स्प्रिंग भी थी। दैट स्प्रिंग्स वॉज प्रिक इन माई हैंड, जो मेरे हैंड में चुभ गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हुआ था। तो ये सुनकर मिस्टर होम्स की बात सुनकर मिस्टर स्मिथ जो है बहुत हंसते हैं। एंड ही पुट दिस बॉक्स इनटू हिज पॉकेट, और वह आराम से ध्यान से उस बॉक्स को अपनी पॉकेट में रखते हैं और कहते हैं दिस डिजीज़ सेंट बाय ए मी थ्रू दिस बॉक्स, वो कहते हैं कि यह बीमारी मैंने तुम्हें भेजी है इस बॉक्स के थ्रू। एंड ही हैज़ टोल्ड मिस्टर होम्स दैट ही वॉज डाइंग फ्राम दिस डिजीज़, इट इज़ वेरी गुड फॉर हिम, और वो मिस्टर होम्स से कहते हैं कि तुम इस बीमारी से मर रहे हो और यह मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। एंड ही पुट दिस बॉक्स इन टू हिज पॉकेट एंड रिमूव ऑल द एविडेंस, और उन्होंने उस बॉक्स को अपनी पॉकेट में रखा क्योंकि वो सारे एविडेंस मिटाना चाहते थे कि जिससे मिस्टर होम्स की जो हत्या है उसका आरोप में मिस्टर स्मिथ फंस ना जाएं। यही सोचकर उन्होंने वो बॉक्स अपनी पॉकेट में ध्यान से रख लिया ताकि सारे सबूत मिटा सकें। मिस्टर होम्स सेड दैट सो नाउ आई एम डाइंग एंड आई कॉन्ट डू एनी थिंग, सो प्लीज़ रेज द लाइट ऑफ लैम्प। उसके बाद होम्स उनसे कहते हैं कि अब तो मैं मर रहा हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो लैम्प है इसकी लाइट को थोड़ा बढ़ा दीजिए। तो मिस्टर स्मिथ कहते हैं, मिस्टर स्मिथ सेड टू हिम दैट इट्स अ गुड थिंग आई कैन सी यू डाई इन मोर लाइट, मतलब कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं और ज़्यादा रोशनी में तुम्हें और अच्छे से मरते हुए देख सकता हूँ। सेइंग दिस मिस्टर स्मिथ रेज द लाइट ऑफ लैम्प, और ऐसा कहकर मिस्टर स्मिथ ने लैम्प की लाइट को बढ़ाया। देन ही फील दैट मिस्टर होम्स इज रिकवरिंग एंड ही केम आउट ऑफ हिज बेड, और वो क्या देखते हैं कि मिस्टर होम्स ठीक हो रहे हैं। उनको ऐसा महसूस हुआ कि मिस्टर होम्स अब पहले से ज़्यादा बेटर लग रहे हैं और वह अपने बेड से बाहर आते हैं। एंड मिस्टर स्मिथ गेट नर्वस सीइंग दिस, और मिस्टर स्मिथ यह देखकर बहुत नर्वस हो जाते हैं। और सडन क्या होता है, देन पुलिस मैन केम इनसाइड द रूम एंड अरेस्ट मिस्टर स्मिथ, और मिस्टर स्मिथ देखते हैं कि एक पुलिस वाला अंदर आता है और उन्हें अरेस्ट कर लेता है। मिस्टर स्मिथ सेड टू मिस्टर होम्स दैट यू हैव नो प्रूफ सो दैट यू कैन अरेस्टेड हिम, मिस्टर स्मिथ मिस्टर होम्स से कहते हैं कि उनके पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे वो उनको पकड़वा सके। देन मिस्टर होम्स कॉल मिस्टर वॉटसन फ्रॉम इनसाइड द रूम, उसके बाद मिस्टर होम्स मिस्टर वॉटसन जो कि कमरे में छिपे हुए थे हिडन प्लेस पे, उनको बुलाते हैं और उनको बाहर बुलाते हैं। मिस्टर होम्स टोल्ड हिम दैट मिस्टर वॉटसन हैज़ लिसन्ड ऑल द टॉक ऑफ बोथ ऑफ देम, वो कहते हैं कि मिस्टर वॉटसन ने मिस्टर होम्स और मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ के बीच जितनी भी बातें हैं उनको सुना है, एंड वो क्या है, वो एक सबूत है, एक एविडेंस है। ओके, एंड मिस्टर होम्स डिड नॉट टेल मिस्टर वॉटसन एनीथिंग अबाउट दिस प्लान, और
मिस्टर वॉटसन को भी मिस्टर होम्स के इस प्लान के बारे में नहीं पता था, क्योंकि मिस्टर होम्स चाहते थे कि मिस्टर वॉटसन मिस्टर स्मिथ के पास जाएं और उनसे जब होम्स की बीमारी के बारे में बताएं तो वो एकदम रियल होना चाहिए। कल्वर्टन स्मिथ को कहीं से भी ये डाउट नहीं होना चाहिए कि मिस्टर वॉटसन और मिस्टर होम्स जो हैं प्लान किए हुए हैं। ये सोचकर मिस्टर होम्स ने मिस्टर वॉटसन को इस प्लान के बारे में नहीं बताया था। अब मिस्टर स्मिथ के अगेंस्ट प्रूफ भी था, एविडेंस भी था, और मिस्टर स्मिथ ने अपना जो क्राइम था उसको एक्सेप्ट भी किया था। इसी तरीके से शर्लक होम ने इस केस को सॉल्व किया। सो स्टूडेंट, दैट इज़ द समरी ऑफ द स्टोरी, द एडवेंचर ऑफ द डाइन डिटेक्टिव, जिसमें एक डिटेक्टिव ने एक क्रिमिनल को अरेस्ट कराया।